किए हुए हैं साथियों। और जैसे साथी ने बात बताया कि राजद्रोही वही है जो शासन करता है, लोग राजद्रोही नहीं है। जब इस तरह के कत्लेआम होते हैं साथियों, तो हम आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। मैं भी बताना चाहूंगी साथी कि उस समय तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जहां मेरे पिताजी हैं जिनके साथ वो काम करते थे, उनके बॉस खुद सरदार थे, जब उनके ऊपर हमला होने को आया, उन्होंने खुद अपने घर में उनको छुपाया कि नहीं आप इधर छुपिए। 3 या 4 दिन बाद वो अपने परिवार से मिल पाए, जिसमें उस परिवार में उनकी खुद मम्मी और बहन खत्म हो चुकी थी। और मतलब बड़े ही आराम से बोलते हैं। और अभी जब तुरंत महिलाओं का बलात्कार हुआ और बड़े आराम से इन्होंने विधवाओं की कॉलोनियां बनाई, विधवाओं की कॉलोनी, इनको शर्म नहीं आती हमारी सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, विधवाओं की कॉलोनी बना के उन्होंने क्या दिखा दिया कि हमने बहुत बड़ा उपकार किया है इनके ऊपर, इनको शर्म आनी चाहिए। साथियों, जब ये आयोजित करते हैं लोगों के ऊपर, तब ये क्या करते हैं, तो साथी हमारी जो ये व्यवस्था है जिसमें चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे वो केंद्र में बैठी है या कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है, कोई भी साथी कोई भी पार्टी उसमें आए, लोगों जब अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, जब वो एकजुट होना चाहते हैं, तो वो इस तरह के कत्लेआम को आयोजित करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ते रहे और ये लोग अपना काम करते रहे। और इनका काम सिर्फ वही है जो पुट्ठी पर जो इजारेदार पूंजीपति, जो 150 इजारेदार पूंजीपति घराने हैं, कैसे उनकी नीतियों को लागू करना है, जो कि इन सब दंगों को आयोजित करा के ये लोगों को भिड़ाते हैं, पीठ चाहिए इनकी नीतियों को लागू करके, उनकी जेबें भरते हैं, उनकी तिजोरियां भरी जाती हैं। साथियों, तो जब ये इस तरह के अंजामों को आयोजित करते हैं, इनमें सबसे बड़ा हाथ मीडिया का होता है। साथियों, मीडिया में ये बड़ा जोर शोर से प्रचार करते हैं एक तरफ तो के हम लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, और लेकिन ये दिखाया जाता है कि पीठ पीछे ये क्या काम कर रहे हैं लोग कितना। अभी वास्तव में अगर ये हमारा लोकतंत्र होता तो आप और मेरे को बैठने की यहाँ जरूरत नहीं थी। अगर हम लोगों को इस लोकतंत्र में वास्तव में इंसाफ मिल गया होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। साथियों, तो हमें एकजुट होकर इन सब की मतलब बातों को नजरअंदाज करते हुए सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, इस व्यवस्था का तख्ता पलट करना पड़ेगा और एक नया समाज जिसमें सबकी सुख और सुरक्षा सुनिश्चित हो। साथियों, इस व्यवस्था के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा और आगे आना होगा। साथियों, धन्यवाद। We'll be right back.